गाइस वन सेकंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज हम लोग ड्रैग करने वाले हैं भाई रुबिनार 400 बाय एनएच 400। भाई दोनों एक ही कंपनी की बाइक है, बजाज की है। भाई दोनों का ड्रैग देखने के लिए बहुत लोग बेताब होंगे, तो भाई आज फाइनली ये दोनों बाइक की ड्रैग रेस होने वाली है। एक्साइटेड हूँ दोनों का ड्रैग के लिए। मुझे लगा कि भाई चौपेट में डोमिनार निकल जाएगी, बट भाई एनएस क्या परफॉर्म कर रही है, मानना पड़ेगा। आगे हो जा रही है, लेकिन मतलब एक ही स्टीयर हो गया, सेम इंजन है ना? हाँ सेम इंजन है, बॉडी वेट की वजह से डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। भाई ये तो क्लियर हो गया कि भाई दोनों के बीच सेम इंजन है, भाई की बस बॉडी वेट की वजह से भाई वो पीछे रह जा रही है, ये भाई लाइट वेट है डेस्पा आगे निकल जा रही है। तो भाई अब मैं एक बार मैं डोमिनार चला के देखूंगा क्या होता है भाई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था एनएस 400 इतना अच्छा परफॉर्म करेगी यार। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी एनएस की। हेडलाइट चेक करो भाई कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है, ये वाइट कलर भी है भाई अच्छी लग रही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। एनएस 400 में ये बेनिफिट है भाई ऑफिस वॉफिस जाने के लिए सबसे बढ़िया है, एंड वो भाई थोड़ा एडवेंचर के लिए है, तो वो थोड़ी मतलब भारी भी है, इसलिए मतलब उसको ट्रैफिक में चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये भाई एकदम सही है, कहीं लेके जाओ इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी वो मैं चला के देखता हूँ डोमिनार को, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो गाइस मैं भी आ चुका हूँ डोमिनार 400 पे, भाई ये रही है ना 400। तो भाई अब दोनों को भगा के देखते हैं साथ में कैसा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट
बाइक का ना भाई फ्यूल ही खत्म हो गया। ये चक्कर भाई, ये तो दिक्कत वाली चीज है भाई। ये तो यही अटक गई, वहां भी नहीं पहुंच पा रही। मुझे लगा भाई फ्यूल होगी बाइक के अंदर, अब तो ये स्टार्ट भी नहीं होने वाली। कोई फायदा नहीं है गाइस। मैंने कितने अच्छे से सोचा था भाई डोमिनार के साथ रेस होगी, यार ये क्या हो गया। आई एम सो सैड सीरियसली भाई। मैं सच बताऊँ तो भाई अगर मेरी बाइक होती ना, टैंक ना पूरी यहाँ तक फुल रखता। बट क्या कहूँ भाई, दूसरे की बाइक है, कुछ बोल नहीं सकता, बुरा लग रहा है इस चीज़ के लिए। ये देखो अभी स्टार्ट भी नहीं होगी भाई ये। वो तो कैसे कैसे यहाँ तक आ गई, वही बहुत बड़ी बात है। तो गाइस ओवरऑल आपने देख लिया भाई, विनर तो भाई यही होती, लेकिन भाई डोमिनार काफ़ी आगे निकल गई। उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि भाई इस बाइक की फ्यूल ख़त्म हो गई है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ भाई कि ड्रैग करते करते ना किसी बाइक की फ्यूल ख़त्म हुई हो। अभी हर्ष आ रहा है, इसको पैर लगा कर वहाँ तक पहुँचाएंगे, उसके बाद जुगाड़ करते फ्यूल का, फिर देखते क्या होता है सीन। भाई फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ड्रैग करते टाइम फ्यूल खत्म हो गया। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, अभी इसको लात लगा कर ही ले जाना पड़ेगा। बेइज्जती हो गई इसके साथ भाई, बट क्या करें, अब जो हो गया वो हो गया। ओवरऑल आपने देखा भाई यहाँ पे रिजल्ट, अगेन विनर तो भाई इसको ही कहेंगे, क्योंकि जब इसने भाई एक्सलेशन छोड़ दिया ना, उसके बाद डोमिनार आगे निकली थी, तो विनर तो यही होगी। अब फ्यूल खत्म हो गई, ये तो भाई बाइक की प्रॉब्लम नहीं है, ये जिस बंदे की बाइक है उसका प्रॉब्लम है। तो भाई कोई नहीं, होता है भाई, ऐसा होते रहता है, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई, बाइक में कभी भी भाई लेकर निकलो ना, अपनी बाइक अगर हो तो फ्यूल होना ही होना चाहिए। अब जिसकी बाइक उसको बोलूँ तो ख़राब ही लगेगा, क्योंकि भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक भाई ने हमें ला कर दे दिया था, लेकिन शायद फ्यूल अप भी नहीं करा है। ये लग रहा है जो पेट्रोल ना कंपनी वालों ने डाल के दिया होगा शोरूम वालों ने, उस पर ही लेकर आ गया है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। तो फिर भी आपने देखा गाइस यहाँ पर रिजल्ट क्या रहा भाई, NS 400 इज़ द विनर। आपको पता है भाई इन दोनों बाइक का कंपैरिजन करके आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही सारा कुछ क्लियर हो चुका था। फिर भी भाई आपको मैं बता देता हूँ, NS 400 ही जीतेगा अपन टिल एंड भी करेंगे। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया, वीडियो से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ऐसा भाई मतलब ड्रैग हुआ ना, ये कभी नहीं हुआ था, होप फॉर द बेस्ट कि कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। तब तक गाइस बाय बाय, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।